11:10 हो चुके हैं, आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम आप ही के अपने रंग तरंग में। पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे है जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं बहुत पहले से। जो जान और ईमान लेते हैं निगाहें मिलते ही, जो जान और ईमान लेते हैं बहुत पहले से। बदल कर भेस मिलता है कोई काफिर, फिरा अक्सर बदल कर भेस मिलता है कोई काफिर, कभी हम जान लेते हैं कभी पहचान लेते हैं बहुत पहले से, उन कदमों की आहट जान लेते हैं तुझे ऐ जिंदगी, हम दूर से पहचान पहले से। फिराक गोरखपुरी साहब की ये प्यारी सी गजल थी और इस गजल को जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में आप तक पहुंचाया मैंने। चैनल सुन रहे हैं आप एफएम गोल्ड और प्रोग्राम आप ही का अपना पसंदीदा रंग तरंग। आपके साथ इस सफर में मैं विकास। आज बात करूंगा एक अलग शायर की, इनका नाम है मोहम्मद
सनाउल्ला सानी डार। इनका जन्म हुआ 25 मई 1912 को पंजाब में। तखल्लुस इनका काफी दिलचस्प है। कहते हैं कि इनको किसी लड़की से इतना इश्क हुआ, इतना प्यार हुआ कि इन्होंने अपना नाम का तखल्लुस उस लड़की के नाम पर रख लिया। लड़की का नाम था मीरा सेन। जी हां, बहुत प्यारी सी कहानी थी इन दोनों की। सादत हसन मंटो, ये नाम तो आपको पता ही होगा। इन्हें यानी कि इस शायर के लिए उन्होंने कहा कि इनका कलाम किसी जिग्सॉ पजल की तरह है, काफी उलझाने वाला, जिसके टुकड़े बड़े ही इत्मीनान के साथ जोड़ कर देखने चाहिए। वो आगे कहते हैं कि उनका काम काफी उम्दा खाद की तरह है, जिसकी अहमियत एक दिन जाहिर होकर रहेगी। मीरा साहब जो थे वो किताबों से थोड़ी दूरी रखते थे, खास तौर पर स्कूली किताबों से। उनको लगाव था तो काफी हद तक अदबी किताबों से, शायरी से। लिखते थे और पढ़ते भी थे। कहते हैं कि वो एक समृद्ध कश्मीरी परिवार से ताल्लुक रखते थे और जिंदगी ने कुछ ऐसी करवट बदली, लेकिन जब उनका देहांत हुआ तो सिर्फ 5 लोग उनके जनाजे में शामिल हुए। और जैसा कि मैंने कहा ना कि मीरा साहब ने अपने प्यार को ही अपना तखल्लुस बना दिया था, और शायद ये मोहब्बत ही है जो किसी से ऐसा कुछ कर जाती है या करा जाती है। कहते हैं ना कि गालिब एक जगह लिखकर चले गए कि मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पर दम निकले। दिया ये दिल अगर उसको बशर है क्या कहिए, हुआ रबीब तो हो ना मबर है क्या कहिए, दिया ये दिल जिद के आज न आवे और आए बिन ना रहे, ये जिद के आज न आवे और आए बिन ना रहे, कजा से शिकवा हमें किस कदर है क्या कहिए, कजा से शिकवा हमें किस कदर है क्या कहिए, दिया ये दिल जहे करिश्मा के यूं दे रखा है हम को फरेब, जहे करिश्मा के यूं दे रखा है हम को फरेब, के बिन कहे ही उन्हें सब खबर है क्या कहिए,
के बिन कहे ही उन्हें सब खबर है, क्या कहिए दिया ये दिल। समझ के करते हैं बाजार में समझ के करते हैं बाजार में वो पुरुष के हम कहें के सरे रहे गुजर है क्या कहिए, के हम कहें के सरे रहे गुजर है क्या कहिए हुआ रखी। गालिब बुरा नहीं लेकिन कहाँ है किसने के गालिब बुरा नहीं लेकिन सिवाय इसके के आशुफ तासर है क्या कहिए दिया ये दिल। अगर उसको बशर है क्या कहिए हुआ रकीब, तो ना मबर है क्या कहिए। कभी हम उनको
कभी आप गुड़िया हंसती खेलती रहती, कहानियाँ सुनकर खुश हुआ करती, पड़ोस वाले भैया के साथ खूब मस्ती किया करती, टॉफी और खिलौनों से उनकी लाडली बनकर रहा करती। लेकिन खेल मस्ती में वो शैतान इच्छाओं को पूरा किया करता, मेरी गुड़िया को गलत तरीके से स्पर्श किया करता। समय रहते संभाला अपनी बेटी को, जब रोते रोते दुख बताया उसने मुझको, सबक सिखाना था उस शैतान को, तब किया दिल्ली पुलिस के हवाले उसको। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का यौन व्यवहार अवैध एवं दंडनीय है। ऐसे कहीं भी देखे जाने पर तुरंत दिल्ली पुलिस को हेल्पलाइन नंबर 112 पर बताएं। दिल्ली पुलिस आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर है। यौन अपराध होने से बच्चों को बचाएं, क्योंकि #, बच्चों की सुरक्षा है हमारा कर्तव्य। ग्यारह बजकर 29 मिनट हो चुके हैं, आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और आपके साथ मैं विकास। शकील बदायूनी साहब एक ऐसा नाम जिन्होंने न सिर्फ फिल्मी दुनिया में अपना दबदबा कायम किया बल्कि शायरी में भी, या कहूं कि अदब की दुनिया में उनका कोई सानी ना रहा। एक जगह लिखते हैं और क्या खूब लिखते हैं, कहते हैं कि कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती है, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। आप लिल्ला न देखा करें आई ना कभी, दिल का आ जाना बड़ी बात नहीं होती है। छुप के रोता है तेरी याद में दुनिया भर से, छुप के रोता है तेरी याद में दुनिया भर से, कब मेरी आंख से बरसात नहीं होती है। हाल दिल पूछने वाले तेरी दुनिया में कभी, हाल दिल पूछने वाले तेरी दुनिया में कभी, दिन तो होता है मगर रात नहीं होती है। दिल
ये दुनिया है यहां दिल को लगाना किसको आता है, ये दुनिया है यहां दिल को लगाना किसको आता है, हजारों प्यार करते हैं निभाना किसको आता है, ये दुनिया है यहां दिल में समाना किसको आता है, मिटाने वाले लाखों हैं बनाना किसको आता है, निगाहें फेर ली तुमने तो हम किसकी तरफ देखें, निगाहें फेर ली तुमने तो हम किसकी तरफ देखें, तुम ही कह दो मोहब्बत का फसाना किसको आता है, वफा का यूं तो दम भरते हैं इस दुनिया में सब, लेकिन वफा के नाम पर मिटकर दिखाना किसको आता है। शायर एक बार फिर हमारे अपने शकील बदायूनी, और स्टेशन भी आप ही का अपना, आकाशवाणी एफएम गोल्ड, जहां फिलहाल सजी है नज्मों और गजलों की महफिल जिसे हम रंग तरंग के नाम से जानते हैं।
जो आ जाए तू जो आ जाए तो इस घर को संवरता देखूं तू जो आ तू जो आ जाए तो इस घर को सवरता देखूं तू जो आ जाए तू जो आ जाए तो इस घर को सवरता देखूं एक मुद्दत से जो वीरान है वो बसता देखूं जो आ ख्वाब बन कर ख्वाब बन कर तू बरसता रहे शबनम शबनम ख्वाब बन ख्वाब बन कर ख्वाब बन कर ख्वाब बन कर तू बरसता रहे शबनम शबनम और बस मैं और बस मैं इसी मौसम को निखरता देखूं और बस मैं इसी मौसम को निखरता देखूं और बस मैं इसी मौसम को निखरता जिससे मिलना ही नहीं जिससे मिलना ही नहीं उससे मोहब्बत कैसी जिससे मिलना जिससे मिलना जिससे मिलना उससे मोहब्बत कैसी सोचता जाऊं सोचता जाऊं सोचता जाऊं जिससे मिलना ही नहीं उससे मोहब्बत कैसी सोचता जाऊं मगर दिल में उतरता देखूं सोचता जाऊं मगर दिल में उतरता देखूं तू जो आ जा
इसी बहर में अहमद नदीम कासमी का एक शेर याद आ गया है। इमाम साहब आपकी इजाजत से पढ़ देता हूँ। दिल गया था, दिल गया, दिल गया था, तो ये आंखें भी कोई ले जाता। दिल गया था, दिल गया था, दिल गया, दिल गया था, तो ये आंखें भी कोई ले जाता। मैं फकत एक ही तस्वीर कहाँ तक देखूं, मैं फकत एक तस्वीर कहाँ तक देखूं, तू जो चंद लम्हे, चंद लम्हे, चंद लम्हे, सर्व बदाय मापरे, सर्व बदाय मापरे, सर्व मापरे, सर्व मापरे, सर्व मबदा सार, चंद चंद लम्हे जो तेरे कुर्ब के मिल जाते हैं, चंद लम्हे, चंद लम्हे, चंद लम्हे, जो तेरे कुर्ब के मिल जाते हैं, इन्हीं लम्हों को चंद लम्हे, जो तेरे कुर्ब के मिल जाते हैं, इन्हीं लम्हों को मैं सदियों में बदलता देखूं, इन्हीं लम्हों को मैं सदियों में बदलता देखूं, तू जो आया है तो इस घर को संवरता देखूं, तू जो आया है, आ जाए, आ जाए, चंद लम्हे जो तेरी कुर्ब के मिल जाते हैं, उन्हीं लम्हों को समझकर जिंदगी हम जी लेते हैं। कुर्ब मतलब होता है एक तरह की निकटता, और जगजीत सिंह साहब ने बहुत प्यारे से अंदाज में इस छोटे से शब्द को अपनी इस गायकी में इस्तेमाल किया। फिलहाल घड़ी बता रही है कि विकास अब जाने का वक्त, यानी कि स्टूडियो छोड़कर जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि जयति स्टूडियो में आ चुकी हैं। बस आखिरी कुछ एक अशार पहुंचाता हूं आप तक। वो कहते हैं कि हम मनाते रहें जिसे हर दम उसकी आदत में रूठ जाना था, हम मनाते रहें जिसे हर दम उसकी आदत में रूठ जाना था, कैसे कहता मैं अलविदा उसको, उसके दिल में मेरा ठिकाना था। फिलहाल विकास
खास आज के लिए चाहता है इजाजत, इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल, उनका ख्याल जो रखते हैं आपका ख्याल। नमस्कार। तुमको हम दिल बसा ली।